नमस्कार, मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। मैं हापुड़ जनपद से हूँ। मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में मैंने बीएड एडमिट किया है। मैं नेट क्वालिफाई हूँ। हापुड़ जनपद में मैं कार्यरत हूँ। हापुड़ जनपद दिल्ली एनसीआर से ही जुड़ा हुआ है, जो कि अपनी खुद भी बड़ी विशेषता है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे एक गढ़ मेला लगता है जो कि कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। तो गढ़ मेले के लिए हापुड़ जनपद बहुत प्रसिद्ध है। मेरा स्कूल भी गढ़ मुक्तेश्वर ब्लॉक के ही कंपोजिट विद्यालय अटसैनी है, जहाँ पर मैं इस टाइम सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। कंपोजिट स्कूल हमारे उसमें प्राइमरी जूनियर दोनों ही हैं, तो कुल टोटल मिला के 283 बच्चे पंजीकृत हैं, जिसमें फर्स्ट टू एट तक बच्चे हैं। मैं जब इस स्कूल में आई तो मुझे यहाँ पे गणित और अंग्रेजी विषय पढ़ाने को मिला। गणित और अंग्रेजी विषय दोनों ही बच्चों के लिए थोड़े से टफ पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। गणित का विषय ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को समझाए बिना उनको रटा सकते हैं। जब तक बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उनको वो आगे नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी कोशिशें की बच्चों को पढ़ाने के लिए, TLMs भी बनाए, ऐसे ही इंग्लिश के लिए भी ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया, बहुत सारे अपनी तरफ से इनोवेटिव जो भी मुझे समझ आता मैं करती। बाद में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के JIIEI कार्यक्रम से जुड़ी, जहाँ पे मुझे बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ, ऐसे नवाचार सीखने को मिले, जिनके द्वारा बिना पैसे खर्च किए आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उनका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे ऐसे नवाचार देखे, जिससे मुझे लगा कि वाकई में ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, और वो मैंने अप्लाई किया, बच्चों में बहुत फ़र्क दिखा मुझे। फिर JIEI कार्यक्रम जो है, उसी के ही थ्रू मुझे इनोवेटिव पाठशाला के बारे में पता चला। इनोवेटिव पाठशाला एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां उसमें दी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। एक तो हर सब्जेक्ट, हर क्लास का और हर एक बोर्ड का है उसमें मेंशन। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप अपने अपने हिसाब से, अपने क्लास के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, और बोर्ड के, इवन बोर्ड के हिसाब से आप उसमें से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और उसमें भी बहुत सारा है कि आप किस गतिविधि के द्वारा पढ़ाना चाहते हैं। उसमें इतने सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, और मुझे मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाने में बच्चों के लिए बहुत ही बहुत बहुत हेल्प मिला। मैंने बच्चों को पढ़ाया है उसमें, जैसे मुझे स्पेशली मुझे ग्रिड गेम है, और जो मतलब ग्रुप में गेम है, और प्लेयर वे मेथड है, इतनी सारी चीज़ें गतिविधियां हैं जिनको मुझे बहुत हेल्प मिली। बच्चों को मैंने पढ़ाया, इससे बच्चों की एक तो अटेंडेंस बढ़ी है, बच्चे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं, और जिन बच्चों को नहीं समझ आता था वो भी समझना शुरू कर दिया। ऐसे ही सेम इंग्लिश में भी हुआ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। और मेन चीज़ है कि गतिविधि तो मेरे दिमाग में भी बहुत पहले भी थी, लेकिन अब उसको कैसे पढ़ाऊँ, कैसे लागू करूँ, इसके लिए फिर मुझे श्री अरविंदो सोसाइटी के ही जील प्रोग्राम के JIIEI के श्री यशाज जी ने बहुत हेल्प करी। उनको भी मैंने बताया, उनसे हेल्प मिली। अभी विवेक सर हैं, उनके थ्रू भी बहुत हेल्प मिल रही है। उन्होंने मुझे बहुत इस चीज़ में हेल्प की, मुझे समझाया कि आप इसको ऐसे करा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा उसमें कि कोई हेल्प कर सकता है कि हाँ हम कैसे कराएं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उसे कराने से। और हम काफ़ी सारे इनके साथ वो सेशंस जो मॉड्यूल्स पढ़ा रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हमें काफ़ी चीज़ें जानकारी मिली। जैसे कि अब ब्लूम टैक्सोनॉमी सिर्फ हमने पढ़ी थी, लेकिन ब्लूम टैक्सोनॉमी में गतिविधि के थ्रू हम कैसे बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, मतलब उनका इवेल्युएटिंग स्तर तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें उसमें सीख को मिली। ये सारी चीज़ें JIEI के माध्यम से ही हो पाई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इनोवेशंस के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हो और दूसरों के विचारों को जान सकते हो। बहुत अच्छा है, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी JIIEI का, जिन्होंने मुझे इतना मतलब बहुत हेल्प करी है पढ़ाने के लिए। और मैं इसके लिए अब श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। धन्यवाद।